हेलो दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं अभी दिल्ली की जामा मस्जिद, जैसा कि आप देख रहे हैं, और मैंने कई सारे ब्लॉग बना रखे हैं जामा मस्जिद पर। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन इस बार हम आज मीनार पर चढ़ के दिखाने वाले हैं आपको दिल्ली का नज़ारा, और जामा मस्जिद का कैसा नज़ारा है इस मीनार पर चढ़ के दिखाएंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस ब्लॉग को ज़रूर देखें, और आपको दिखाने वाला हूँ दिल्ली का नज़ारा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं फटाफट से, आपको दिखाते हैं जामा मस्जिद के मीनार का नज़ारा। तो दोस्तों संडे है और संडे वाले दिन बहुत भीड़ रहती है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर। बहुत ही भीड़ है संडे वाले दिन। तो दोस्तों ये है टिकट काउंटर जो कि अभी बंद है, और नमाज के लिए गए हुए हैं। तो ये जब नमाज होती है तब उस टाइम बंद कर दिया जाता है, तो जब खुलता है तब टिकट लेते हैं, फिर चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं आपको ऊपर से नज़ारा। तो दोस्तों ये है वो मीनार जिस पर हम चढ़ने वाले हैं, और दिखाते हैं आपको नज़ारा। तो दोस्तों आप सामने जो मीनार देख रहे हो ये है विदेशी नागरिकों के लिए, तो यहाँ पर विदेशी नागरिक होते हैं, और ये वाला जो मीनार है तो ये इंडिया वालों के लिए है। तो इसमें दोनों में टिकट का बहुत डिफरेंट है, तो हम इस वाले मीनार में चल के आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, अभी नमाज का टाइम है तो वो वहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो इसी मीनार पे चल के हम आपको पूरा व्यू दिखाएंगे दिल्ली का। तो चलते हैं आगे। तो फाइनली दोस्तों टिकट काउंटर ओपन हो गया है, और अब हम लेते हैं यहाँ से टिकट। तो दोस्तों फाइनली टिकट ले लिया है, और अब चलते हैं ऊपर। तो ये है टिकट, तो ये है हमारा टिकट, और ये 70 रुपए का टिकट है मीनार का। तो चलते हैं ऊपर, अब दिखाते हैं ऊपर से आपको नजारा। तो यहाँ से हम चलते हैं पहली मंजिल की तरफ, और यहाँ से हम पहुंच चुके हैं पहली मंजिल पर, और आपको दिखाते हैं पहली मंजिल का व्यू। तो यहाँ पर लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। तो ये हम आ गए ऊपर की तरफ, और यहाँ पर देख सकते हैं। यह है जामा मस्जिद के बाहर का नजारा, और अभी हम चलते हैं ऊपर मीनार की तरफ। और यह है जामा मस्जिद के अंदर का नजारा। तो यहाँ पर लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। चलते हैं हम मीनार की तरफ, और वहां से है एंट्री। तो मस्त नजारा है दोस्तों, और ये देख सकते हैं बाहर का नजारा। और अभी चलना है हमें ऊपर मीनार की तरफ। तो ये है मीनार। तो यहाँ लिखा हुआ है जामा मस्जिद की बिल्डिंग पर लिखना मना है, तो यहाँ पर लोग मीनार पे दीवारों पे लिख देते हैं, तो ये गलत है। तो अब चलते हैं हम ऊपर की तरफ दूसरी मंजिल पर। तो यहाँ से हम दूसरी मंजिल पर आ चुके हैं, तो ये देख सकते हैं सामने आपको गुंबद नजर आ रहा होगा।
और यहीं पे हम मीनार की टिकट जमा करेंगे और फिर चलते हैं मीनार की तरफ। ये हम बिल्कुल गुंबद के पास आ चुके हैं, ये है मीनार के गुंबद और ये है मस्जिद की बैक साइड, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा आ रहा है यहाँ से। तो चलते हैं आगे और आप दिखाते हैं आगे। तो दोस्तों अभी मीनार के पास है और यहाँ पर लाइन लगी हुई है, क्योंकि अगर 7 बंदे जब नीचे को आएंगे तब यहाँ से 7 लोगों को जाने के अलाउड है और चढ़ने उड़ने में दिक्कत ना हो, इसलिए 7-7 करके भेजा जाता है। तो ये देख सकते हैं मीनार का व्यू, तो ये 7 लोग आ चुके हैं और अब हम चल के अंदर दिखाएंगे आपको। तो यहाँ से एंट्री होगी मीनार की और सीधा गोल गोल सीधा है ऊपर जाने के लिए। तो फाइनली हम चलते हैं अंदर, यहाँ से होगी हमारी एंट्री। देख सकते हैं मीनार के अंदर का व्यू, गोल गोल सीढ़ियाँ हैं और ऐसी सीढ़ियाँ आप जब चार मीनार हैदराबाद जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ऐसी सीढ़ियाँ देखने के लिए मिलेंगी। तो अभी चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं ऊपर का व्यू। तो फाइनली हम आ गए ऊपर और आप देख सकते हैं जामा मस्जिद का नज़ारा, काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ पर। ये है मेन गेट और ये मार्केट है सामने, और ये गेट नंबर 2 की जो मार्केट है वहाँ का नज़ारा है। तो ये देख सकते हैं पूरा व्यू जामा मस्जिद के गेट नंबर 2 का, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। और सामने आप देखेंगे तो आपको फिरोजशाह कोटला स्टेडियम दिखाई देगी और उसके पीछे इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम भी है, तो ये बिल्कुल क्लियर यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो ये सामने है फिरोजशाह कोटला स्टेडियम। तो ये है अंदर का व्यू, आपको अंदर दिखाता हूँ, काफ़ी भीड़ है। तो ये अंदर का कुछ स्पेस भी कम है थोड़ा और भीड़ ज़्यादा हो गई है, क्योंकि लोग जब ऊपर आ जाते हैं तो नीचे उतरने का मन ही नहीं करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं और पूरे का जो दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये है उस जामा मस्जिद के मेन गेट का नज़ारा। तो ये सामने आप देख सकते हैं लाल किला जो है पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ से, बिल्कुल क्लियर लाल किला आपको देखने के लिए मिलेगा। और सामने ये जामा मस्जिद की मार्केट है और ये मेन गेट है जो आप देख रहे हैं सामने, तो यहाँ से लाल किला अभी बिल्कुल साफ दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है। और भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये है कुछ अंदर का नज़ारा, यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। तो जामा मस्जिद के मेन गुंबद और ये मैदान है जामा मस्जिद, तो यहाँ पर देख सकते हैं गुंबद का काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। और ये सामने आप देख रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है गुंबद कैफे और ये जामा मस्जिद का काफ़ी फेमस कैफे है, यहाँ पर लोग इंस्टाग्राम के रील वगैरह बनाते हैं। तो ये सामने आपको गुंबद कैफे दिखाई दे रहा है और सामने अगर आप देखोगे तो आपको ये पुरानी दिल्ली स्टेशन भी दिखाई दे रही है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जो कि क्लियर दिखाई दे रही है यहाँ से बिल्कुल, और साथ में आपको कई चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बुजू खाने का क्या व्यू आ रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। ऊंचाई की बात करें तो ये 43 मीटर ऊंचा है, यानी कि 135 फुट ऊंचा है ये मीनार। तो यहाँ पर देख सकते हैं 135 फुट की ऊंचाई से हम आपको दिखा रहे हैं लाल किले का व्यू, तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पर और यहाँ से दूर दूर तक कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए। ये है मैन मार्केट लाल किले की तरफ। ये अंदर भीड़ बढ़ती जा रही है, देख सकते हैं लोग किस कदर ऐसे बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दूसरा मीनार जो है वो मीनार विदेशी नागरिकों के लिए है, तो उसमें विदेशी नागरिक बैठे हुए हैं और उसका टिकट की बात करें तो 250 के लगभग टिकट है उसका, तो ये सिर्फ विदेशी नागरिकों के लिए है। और ये जिसमें हमें ये यात्रा है ये मीनार, तो आप देख सकते हैं
नज़ारे कर रहे हैं वहाँ से मीनार से पूरी दिल्ली का। और उसके साइड में देखें तो आपको सिग्नेचर ब्रिज भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा मौसम बदलती है नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा है सिग्नेचर ब्रिज के लिए काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पर। यह है पूरी जामा मस्जिद का व्यू। तो दोस्तों फाइनली पूरा घूम लिया हूँ और मीनार भी, तो मीनार से भी मैंने आपको पूरा व्यू दिखा दिया है। तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था पूरे जामा मस्जिद का, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो अब आप भी ज़रूर आएँ, और अगर जामा मस्जिद आएँ तो मीनार पे ज़रूर चढ़ें, काफ़ी अच्छा व्यू आएगा। तो आई होप वीडियो जरूर पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।